एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी। तो सारे भाई बहन, आज ना बहुत ध्यान से सुनो। आज मैं आपको बताती हूँ कैसे तुम लोग ना अपने हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे से आंसर लिख कर आने वाले हो। यहाँ मैं पेपर पर सेंड करने का तरीका नहीं बता रही हूँ कि भैया आंसर पॉइंट फॉर्म में लिखो और ऐसे आप लोगों को नीटली पेपर को लिखना है। नहीं नहीं, बात अभी यहाँ पेपर को प्रेजेंट करने की नहीं हो रही है। बात प्रेजेंट तो तब कर पाओगे ना जब आंसर आते होंगे तुम्हारे को। तो आज मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ना बहुत बार ऐसा होता है, मैंने खुद अपनी कोचिंग में देखा है और बहुत सारे डीएम्स में मैंने देखा है। मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके आप लोग बताते हो, कॉमेंट सेक्शन में बताते हो। जब मैं चैप्टर की वीडियोस क्रिएट करती हूँ तो कई बार मैंने चैप्टर की इतनी सारी चैप्टर गाइस मैं अपने चैनल पे पढ़ाती हूँ। आई एम टीचिंग 5 to 6 सब्जेक्ट्स, ओके, 3-4 क्लासेस के सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ। तो मैंने देखा है कि आप लोग कई बार कहते होते थे ये चैप्टर पढ़ भी लिया, हमें पूरा समझ में आ गया, ठीक है, बट अब भी हमें एक लग रहा है कि भाई आंसर कैसे लिखूँ इसके। अगर इसी चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहा है तो मैं आंसर कैसे लिखूँ। अब ये बात जो है एग्जाम टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व करनी, क्योंकि कल तुम्हारा पेपर है इंग्लिश का, SST का, साइंस का, परसों तुम्हारा पेपर है और तुम्हें लग रहा है कि मुझे चैप्टर तो आते हैं बट मैं आंसर नहीं लिख पाऊंगा। तो बताती हूँ आपको कैसे वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आंसर लिखा जाए, ठीक है। फर्स्ट रीजन क्या है इस चीज का गाइस, दैट आप लोगों को इतना पढ़ के भी लगता है कि भाई आंसर लिखने नहीं आते हैं, आंसर बनाने, खुद से बनाने आपको नहीं आते हैं, आपको लग रहा है कि भाई मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं आ पाते आपको? तो फर्स्ट रीज़न है, आपने बिल्कुल भी रिटन प्रैक्टिस नहीं करी है, आपने लिख के देखा ही नहीं है, आपने अपने नोट्स बनाए ही नहीं हैं। तुम लोगों ने अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए, कोई बात नहीं, अभी हैंड रिटन नोट्स बनाए तो भैया आप हाफ ईयरली 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, अगले हफ्ते, तो अब नोट्स बनाने का तो समय नहीं है ना। तो अभी मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताऊंगी, ये शॉर्ट मेथड बाद में भी काम करता है। अभी फिर जब सितंबर एंड होगा हमारा आगे चल के, तो मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगी कि कैसे आप लोग अपने नोट्स बनाओ खुद। बट अभी जब आपका 10 दिन बाद एग्जाम है, आपके 5 दिन बाद एग्जाम है, तो आप कैसे इस ट्रिक को मास्टर कर सकते हो कि आप अपने आंसर बढ़िया से लिख के आ पाओ, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है, सबसे पहले मैं आपको मेन सब्जेक्ट के साथ बता दूँ, दैट इज इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश का लिसन टू मी केयरफुली, दैट हाउ यू विल राइट ईच एंड एवरी आंसर ऑफ इंग्लिश, इधर यू इन क्लास 10th, 9th, 11th, 12th, आई एम टेलिंग यू द बेस्ट वे यू कैन सॉल्व एनी आंसर इन योर एग्जाम, लिटरेचर पोर्शन में से एनी आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप तो उसका ये होगा दैट यू हैव टू क्लियर द चैप्टर, आपको पता हो चैप्टर में क्या चल रहा है प्रॉपर वे में। तो उसके लिए आप 9 to 12 तक के अगर स्टूडेंट हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप जाके चेक कीजिए, 4 प्लेलिस्ट पेस्ट हो चुकी है 9th की, 10th की, 11th की, 12th की, और मैंने उसमें अपने चैनल पे हर क्लास के हर इंग्लिश के चैप्टर को पढ़ा रखा है, दोनों ही बुक्स के। एक बार पढ़ लेना, आपका फर्स्ट स्टेप पूरा हो जाएगा, चैप्टर आपको समझ में आएगा। आफ्टर दैट आपका सेकंड स्टेप का होगा, चाहे आप एग्जाम से एक रात पहले इंग्लिश पढ़े हो तब भी आपको ये स्टेप जो है यू हैव टू फॉलो दिस, वो है कि जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है, एक पेपर या फिर आपका जो बुक होगी, नोटबुक होगी, उसमें आपको कोशिश करनी है कि आप लोग, कोशिश नहीं करनी, मस्ट है कि आप लोग अपने जो चैप्टर आ रहे हैं एग्जाम में उसकी एक शॉर्ट समरी 15 से 20 लाइन की खुद बना के लिखो, ठीक है। जैसे कि आपका चैप्टर है, मैं सभी के फर्स्ट चैप्टर का नाम लिखती हूँ 9th से लेकर 12th तक के। फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास के बच्चों का है द फंदे हैट, है ना। 10th क्लास के बच्चों का है अ लेटर टू गॉड, बुक 1 से। 11th क्लास के बच्चों का है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, और 12th क्लास के बच्चों का है द लास्ट लेसन। तो यहाँ पे आपको लास्ट लेसन पोर्ट्रेट, जो भी आपका चैप्टर है, जब आपने उसकी वीडियो देख ली है, वीडियो देखने के बाद ही आप लोगों को क्या करना है अपने लिए, आपको टेक अ पेपर, एक पेपर लीजिए आप लोग, ठीक है, एक पेपर लेना है आपको, पेन लेना है, और उसके ऊपर लास्ट लेसन की पूरी समरी लिख देनी है। इन द स्टोरी लास्ट लेसन वी स्टडी अबाउट अ बॉय हुज नेम वॉज फ्रांस एंड ही वॉज स्केर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल बिकॉज ही हैडन प्रिपेयर्ड हिज होमवर्क ऑन पार्टिसिपल्स, ही वॉज इन अ वेरी हरी टू गो टू स्कूल एंड वेन ही रीच स्कूल ही सॉ समथिंग वेरी डिफरेंट, देयर वॉज नो नॉइस एंड हिज टीचर डिडंट स्कोल्ड हिम ऑन दैट डे, ऐसे करके। ये इंग्लिश जैसे मैं बोल रही हूँ खुद से, चाहे इसमें कुछ टेंस गड़बड़ होंगे, ठीक है, चाहे आपको ऐसा लग रहा हो कि यार मैं गलत टेंस लिख रहा हूँ, बट डोंट वरी गाइस, ट्राई, लिख के देखना। वेन ही रीच स्कूल हिज टीचर डिडंट स्कोल्ड हिम, ऐसे ही लेटर टू गॉड के, इन दिस स्टोरी द लेटर टू गॉड रिटन बाय उनके राइटर का नाम, वी स्टडी अबाउट अ फार्मर whose name was Lencho, he was very hardworking farmer and his field was ready, it only needed a downpour, या फिर आप कह सकते हो it only needed rain, so he was waiting in front of his house for rain, looking at the sky, something like that। जो भी, जैसी भी इंग्लिश गाइस तुमसे बनी हो ना, जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक नहीं होने वाला है। द फंडे हेड में भी, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में भी, आपको ऐसे मन में अपने बना के 5-6 लाइन की पूरा चैप्टर कवर हो जाए, उसमें एक समरी लिख देना, बस ये समरी लिख के अगले दिन पेपर लेने चले जाना। मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, वो जो समरी की लाइनें होगी ना, उसी को, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, उसी में से आप लिख दोगे। लॉन्ग वाला आएगा तो हर लॉन्ग आंसर के आंसर में आप चैप्टर की स्टोरी में से पूरे सारे के सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, डर क्यों आ रहा है आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी है। तो कल अगर आपका इंग्लिश का पेपर है, परसों अगर आपका इंग्लिश का पेपर है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश की क्वेरी क्लियर करी, और ये चीज़ आप हिंदी में भी कर सकते हो, सेम गोज ऑन विद हिंदी ऑल्सो, हिंदी
में भी चैप्टर पढ़ा और फिर जो उसकी समरी टाइप बना के हिंदी में अपने 5 से 10 लाइनों में आप लोगों को लिख लेनी है, सेम गोज ऑन विद द इंग्लिश। ठीक है, अब इंग्लिश की बात हो गई, अब बाकी थ्योरी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। बाकी थ्योरी सब्जेक्ट्स में क्या करना है, अब आप सबको लिखने का तो टाइम नहीं होगा, जैसे आप SST का नेसेसिज्म इन यूरोप और पूरी की पूरी सिविक्स के एक एक क्वेश्चन चैप्टर की समरी तो आप नहीं लिख सकते हो, तो उस समय यू विल रीड और उसको माइंड में भेजना है, ऐसे रीड करना है कि वो माइंड तक जाए आपके। क्या रीड करोगे, अब आप ये सुनो। तो इंग्लिश का समझ में आ गया कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करोगे, सबकी शॉर्ट शॉर्ट समरी बना के लिख देनी है। अब अगर मैं SST की बात करूं या फिर साइंस में भी जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, जिसमें जैसे लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में काफ़ी सारा आप लोगों को लर्निंग है, आपको जो है वो जो इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है बाद में, है ना, उसमें भी कुछ कुछ लर्निंग है, तो काफ़ी सारी ऐसी लर्निंग कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले अपना रीड अच्छे से करना है सब कुछ। ठीक है, रीड करके जाना है अच्छे तरीके से। आप इसके लिए आपके पास जो भी गाइड हो अपनी, ठीक है, इधर यू हैव अ गाइड रिफ्रेशर, जो भी आपका हो वो रीड कर सकते हो अच्छे से, या फिर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन पता हो, जैसे कि मैंने अपने चैनल पे SST के भी शॉर्ट क्वेश्चन अपलोड्स कर रखे हैं, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगी। आप हर चैप्टर के 10-10 शॉर्ट क्वेश्चन रीड करो अच्छे से, जब उन्हें रीड कर रहे हो तो रट्टे नहीं मारने, जस्ट रीड द क्वेश्चन। जैसा पहला तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन को रीड करना है, और सिर्फ ये SST की बात नहीं हो रही है, क्लास 12 स्टूडेंट, पॉलिटिकल है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, जो हमारे लेंथी थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपको क्या करना है, चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक है, नहीं पढ़ रखा, वन शॉट वीडियो जाके देखो मेरे चैनल से, एक एक घंटे में ये सब सब्जेक्ट के मैंने चैप्टर पढ़ा रखे हैं, ठीक है। वो पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, हर चैप्टर के 10-10 शॉर्ट क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से। जब रीड करोगे टेक अ पेंसिल, ठीक है, पेंसिल लेते हुए उसको अच्छे से रीड करना है, और जो वो कीवर्ड्स उसमें दिख रहे होंगे उसे इतने ध्यान से रीड करना है कि एग्जाम में जब वो सेम क्वेश्चन आ जाए उसे उसी लैंग्वेज में लिखना है, दूसरा क्वेश्चन है तो तुम उसको लिखाओ, तो आपको उसको ध्यान से रीड करना है। व्हेन यू विल बी रीडिंग दैट क्वेश्चन, गो थ्रू द लाइंस वेरी केयरफुली। कई बार क्या होता है, हम ना क्वेश्चन आंसर पढ़ते नहीं है, सबसे बड़ी गलती होती है हमारी, हमारे से आंसर क्यों नहीं बनते, क्योंकि एक जो फॉर्मेट होता है, जैसे ना बचपन में होता था स्कूल में, 6th क्लास में हमारी कॉपी बनती थी तो मैम ना आंसर मार्क कराती थी, याद करो NCERT बुक में एक एक लाइनें मार्क कराती थी, हम घर जाते थे उसे स्कूल वाली कॉपी में लिखते थे, अगले दिन मैम वो चेक लगा के देती थी, कई बार वेरी गुड मिलता था, कई बार एक्सेलेंट मिलता था, वहाँ हमारी क्वेश्चन आंसर लिखने की और एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट की, हाँ भैया ऐसे रेड पेन से या ऐसे ब्लू पेन से हम ब्लैक पेन से सॉरी हम लोग अपना क्वेश्चन लिखते हैं और ब्लू पेन से हम अपना आंसर लिखते हैं, दैट वॉज अ फॉर्मेट ऑफ अ क्वेश्चन एंड आंसर जो हमारे माइंड में फिक्स हो रहा था। जब हम बड़े होने लगते हैं हम क्या करते हैं, हम स्कूल की कॉपी ज्यादा अच्छे से नहीं बनाते अपनी, ठीक है, हम या तो एक ही दिन पे सब कुछ कर देते हैं या फिर हम अपनी कॉपी चेक ही नहीं कराते कभी, और इस चीज से ना हमारी एक जो वो होती है ना एक रिदम होती है, एक जो फ्लो होता है क्वेश्चन आंसर लिखने का समझने का, वो जो ट्रिक होती है वो हम भूलते चले जाते हैं, तो इसलिए ये चीज अब आपको खुद को याद दिलानी है। अभी कम टाइम है तो यू विल ओनली रीड इट, कल को जब आपके पास 3 महीने और होंगे बाई चांस जैसे प्री बोर्ड से पहले, तब मैं आप लोगों को कहूंगी कि क्वेश्चन आपको लिखने भी है, तभी मैंने इस समय पर आपके हफेलीज के लिए, प्री बोर्ड के लिए और बोर्ड्स के लिए अपने चैनल पर बेस क्वेश्चन सीरीज लॉन्च करी है 9 to 12 तक की। नहीं पता तो फिर बता रही हूँ, मेरे चैनल को जाके चेक कर लो, वहाँ आपको हर क्लास की 9 to 12 तक के बेस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हर चैप्टर के 15 क्वेश्चन करा रही हूँ, वो 15 क्वेश्चन जो कर लिए तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है तुम लिख कर आ पाओगे उन्हीं में से आंसर, कौन कौन से सब्जेक्ट की, SST की, इंग्लिश की और पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब सब्जेक्ट की मैंने लॉन्च कर दी है, तो जाके आप चेक कर सकते हो। तो क्या करना है, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन आंसर। आपके पास जैसे कोई SST की गाइड हो, गाइड नहीं है तो जो स्कूल में आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए हो, या मेरी Instagram ID से जाके देख लो, वहाँ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं, या आप लोग जो है नेट पर सर्च करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ राइज ऑफ नेसिज्म इन, आपके सामने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, गूगल पे ही सर्च कर लेना और वहां पे वो जो 20 क्वेश्चन आपको देखेंगे उनको रीड करो। पहले आ गया व्हाट इज रोमांटिसिज्म एक्सप्लेन, ये आपको दिखाई दे गया, हाउ डिड द इटली, हाउ वाज द, व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, तो पूरा आपने उसकी जो लाइन है ना कैसे इटली का यूनिफिकेशन होता, रीड इट अच्छे से रीड करो। 12th क्लास स्टूडेंट 11th क्लास स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस का कोई भी चैप्टर जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखा होगा उसको रीड करो, ठीक है, 1-2 घंटे अपने एग्जाम से पहले जो आपका थ्योरी सब्जेक्ट का एग्जाम है लिखने का, अगर समय नहीं मिलेगा क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस करने का, रीड देम। अगर मैं साइंस की बात करूँ ओनली फॉर क्लास 10th और 9th स्टूडेंट्स को बताऊँ, अगर मैं साइंस में, तो आप NCERT का जो बैक क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशंस डाउनलोड कर लो, या आपके अगर स्कूल वाले रजिस्टर में आपने सॉल्व करवाया है और जो उसके बीच बीच वाले क्वेश्चन होते हैं वो डाउनलोड कर लो, या जो बुक में है उनको ही गो थ्रू करो, एक एक क्वेश्चन को पढ़ा, अच्छा ये क्वेश्चन लिखा है, ये वाला रिएक्शन पूछा गया, इसका रिएक्शन ये है, इसकी इक्वेशन ये है, देखो दिमाग तक पहुंचाओ, ठीक है, हो सके तो इक्वेशन को एक पेपर पे साइड में लिख के देखो, एंड अगले दिन तक आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब भी आपका पेपर आप प्रिपेयर हो जाओगे। ये है तरीका आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का। अगर एग्जाम से एक दिन पहले आप सिर्फ चैप्टर की वीडियोज़ देख के जाओगे तो उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, हाँ तब भी आप आंसर खुद से बना के लिख सकते हो इफ़ यू आर वेरी प्रो, बट फायदा सबसे ज़्यादा तब मिलेगा जब आप क्वेश्चन आंसर को रीड करके जाओगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा है आपको, सिंपल टेक्निक, सबसे पहले मैंने इंग्लिश और हिंदी की बता दी लैंग्वेज सब्जेक्ट की, उसके बाद जो मेन थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए मैं आपको ये कहूँगी, जैसे SST हो गया,
साइंस में थ्योरी वाले जो प्रॉपर चैप्टर होते हैं उनका हो गया, और आपका हो गया ये पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th, इंडियन इकोनॉमिक्स का, ठीक है, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का। तो पहले आपने वीडियो देख के चैप्टर पहले से समझा हुआ है तो अच्छी बात है, वरना वीडियो देख के चैप्टर समझ लेना है आपको। आफ्टर दैट जो आपकी गाइड हो कहीं से भी, या एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन आंसर्स को, जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन लिखा है और ये आपकी गाइड में या आपकी हेल्प बुक में या आपके नोट्स में उसका ये चार लाइन का आंसर लिखा है, ठीक है। फिर उसके नीचे एक क्वेश्चन और लिखा है, ठीक है, उसके नीचे ये क्वेश्चन और लिखा है और ये उसका चार लाइन का आंसर लिखा है। तो भाई ये ना, ये गाइड हम खरीदते ही क्यों है, ये हेल्प बुक हम खरीदते ही क्यों है, एनसीईआरटी में बैक क्वेश्चन गिवन ही क्यों है, सो दैट हम उन्हें अटेम्प्ट करें, हम उन्हें पढ़ें। हम पढ़ते ही नहीं है तभी हमारे दिमाग में इफेक्ट जाता ही। मैं आपको खुद की प्रिपरेशन के नोट्स दिखाती हूँ अपने क्लास 12th के, कि मैं ऐसे ही तैयारी करती थी, इनफैक्ट मैं तो लिख के भी देखती थी, और जब समय नहीं होता था तो जो मेरे लिखे हुए होते थे मैं बाद में इन्हीं से रिवाइज करती थी। तो ये देख सकते हो आप, हमें अपने नोट्स अभी लेकर आई हूँ, ये देखो इस तरीके से मैं ना पहले से ही तैयारी करके रखती थी, तो अभी आगे जब टाइम होगा तो मैं ऐसी भी तैयारी करने का आपको बोलूंगी। बट अभी क्या है, जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन लिखा है, इसका पूरा आंसर लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा है, इसका पूरा आंसर लिखा है। आपके पास अपने एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो, ये देखो मैंने तो चेक भी कर रखी है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन ढूंढने हैं जिसमें ऐसा क्वेश्चन लिखा हो, यहाँ पे ऐसे आंसर लिखा हो, और इनको रीड करना है अच्छे से अपना। आपको 3-4 घंटे जितनी देर आप पढ़ रहे हो, इन सभी क्वेश्चन को, हर चैप्टर के 10-10, 20-20 क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना है, रीड करते हुए उसको समझना है, एंड जो है आप लोगों को आंसर फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। जब आप रीड करोगे अपनी गाइड में से, अपनी बुक में से, बहुत आसानी से वो आपकी ना मेमोरी में जाना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब आप लिखोगे तो आपको वही वाले वर्ड्स जो आपने उस क्वेश्चन में से पढ़े हैं आपको समझ में आएंगे, और आप उसे लिखोगे। ये तो अभी मैं शॉर्ट टाइम की बात कह रही हूँ कि भाई जल्दी से बस समरी लिख के इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लो, और हिंदी की SST साइंस और जो साइंस के थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, और जो इंडियन इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व है उनको रीड करो, और जो है आप फिर अपना ये कर पाओगे, आंसर्स को लिख पाओगे। बाद में व्हेन यू विल हैव टाइम, तब मैं आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट बताऊंगी कि कैसे हम प्रो होंगे, कैसे हम प्रॉपर ट्रिक जानेंगे अपने आंसर प्रैक्टिस की, ठीक है। तो स्टेप वन इज पहले वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। जब तक चैप्टर समझ में नहीं आया होगा तब तक नहीं आपको आएंगे कोई भी चैप्टर लिखने, आंसर लिखने चैप्टर्स के। दूसरा, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए स्पेशली हर चैप्टर की समरी लिखो खुद से बना के, चाहे एक दिन बाद आपका एग्जाम हो, 10 चैप्टर आए हैं, 15-15 लाइन की समरी सबकी लिखो, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अपनी गाइड में से, रिफ्रेशर में से, एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन गाइड रिफ्रेशर नहीं है तो, या गूगल पे सर्च करके आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के, चैप्टर का नाम लिखना, आपको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख जाएंगे, या जो दो चैप्टर्स में पढ़ाती हूँ, जो दो चैप्टर सब्जेक्ट्स में पढ़ाती हूँ, मेरे चैनल पे जाके देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, और पढ़ने से ही बहुत इफेक्ट आ जाएगा, वरना क्या आप चैप्टर पढ़ के एग्जाम देने चले गए तो आप कहोगे यार मुझे तो आ ही नहीं देते आंसर लिखने। तो अगर ये क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट्स को भी स्टडी करोगे तो आप लिख पाओगे। अब एक और चीज़ है, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, शायद आपने गाइड में से पढ़ाओ, शायद आपने अपने किसी जो है स्कूल से नोट्स में से पढ़ाओ, तो शायद वहाँ पे आंसर पैराग्राफ फॉर्मेट में दिए होंगे। बट जब आप एग्जाम में लिखोगे तो कोशिश करना, जैसे SST के क्वेश्चन हो गए, यूनिफिकेशन ऑफ इटली है, हाँ ब्रिटेन वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, या पॉलिटिकल के जितने भी आंसर है, या हिस्ट्री के क्लास 12 स्टूडेंट्स, 11 स्टूडेंट, तो चाहे आप पैराग्राफ में पढ़ो बट उनको आंसर करना पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल ट्रिक जो आप जो है कोई भी आंसर बनाना लिखना सीख जाओगे। एक, रीड विद अटेंशन, और इंग्लिश और हिंदी के लिए राइट डाउन द समरीज। तो अभी आपको ये प्रैक्टिस करना है, कल परसों वाले हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के रख लो। SST का पेपर है तो SST के हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के रख लो, इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का, 11-12 स्टूडेंट्स ढूंढ के रख लो। इंग्लिश वगैरह की टेंशन नहीं लेनी है, वो मैं करवा रही हूँ आपको। साइंस के भी NCERT और इंटेक्स क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की गाइड या हेल्प बुक नहीं है तो, ठीक है। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और जो है, और कोई क्वेरीज आपको है अगर हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड, अभी की दीदी हमारे 2-3 दिन बाद पेपर है, ये प्रॉब्लम हमें आ रही है, तो मुझे जल्दी से बता दो, आई विल सॉल्व इट, क्योंकि ये 15 डेज अभी सेप्टेम्बर के, आई नो सभी के हाफ ईयरली चलने आने हैं, तो अल्ट्रा आई मे बेस्ट कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।